सो ही दैर वेलकम जो अनर द वीडियो एंड आई होप यू डू इंग वेल एट होम और कॉलेज जिनका कॉलेज अभी शुरू हो चुका है सो uh, so पिछला जो गिव अवे मैंने रखा था उसके रिजल्ट निकाल दिया और टीम को दे दिया है तो वो कल uh, यानी कि आज हॉलीडे था इसलिए एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे तो वो कल एक्टिवेट कर देंगे और मैं जो भी विनर्स हैं उनके नाम कम्युनिटी पोस्ट पर डाल दूँगा सो टूडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट मीड पाउर स्पेस एंड थीन आवर स्पेस सो फर्स्ट ईयर में मैं क्या करता था जैसे सेक्शंस बुक में दिए है जैसा डाग्राम बुक में दिया है वैसे ही पड़ता था मैं ऐसे नहीं सोचता था कि हैंड हमारा ऐसे होता है फिर उसको ऐसे करके यहां से कट किया है तभी वो सेक्शन ऐसा दिख रहा है तो फिर जो बाउंड्रीज होती है ना उसमें कंफ्यूजन होता है लाइक like, अगर हम ऐसे देखें तो ये बाउंड्री कौन सी होती है सुपीरियर हो जाती है ऐसे देखें तो ये बाउंड्री एंटीरियर हो जाती है सो so, फिर वो कन्फ्यूज हो जाते हैं इसलिए वो चीज थोड़ा धीरे धीरे आएगी आपको सो मिड पॉमर स्पेस में बहुत ही होता है एंड या yeah, मैंने यहाँ पे बहुत इजीली समझाया है तो आप ये वीडियो पूरा देखना ओके okay, सो so, यहाँ पे एक इमेज दिखेगी वहाँ पे आप देखना मैं अपने हैंड को ऐसे रख के यहाँ से कट करने वाला हूँ ओके नॉट इन रियल इन इमेज सो यहाँ पे आप देखना एंड ईजिली आपको समझ में आ जाएगा सो ये यू कैन सी आई कट माई हैंड बीच में से कट किया है सो व्हाट वी आर गोइंग टू सी वी आर गोइंग टू सी द फर्स्ट मेटागार्पल बोन दिस इज सेकेंड मेटाकार्पल बोन डिजीज थर्ड मेटाकॉपल बोन डिजीज फोर्थ मेटाकॉपल बोन डिजीज फिफ्थ मेटाकॉपल बोन उंगलिया पांच ही होती है इसलिए पांच मेटाकार्पल बोन होंगे नाउ हेयर यू कैन सी वन सेप्टम इज देयर दैट सेप्टम और दैट एपोन्यूरोसिस इट इज पामर एपोन्यूरोसिस बिकॉज वो पाम के नीचे है सो दैट इज कॉल्ड पामर एपोन्यूरोसिस नाउ यहाँ पे आप तीन सेप्टम देखते होंगे हियर दिस वन दिस वन एंड यहाँ पे भी एक सेप्टम होता है सो यहाँ पे एक मसल होता है दैट इज कॉल्ड थीनार एमिनंस ओके बिकॉज थम के नजदीक है थीनार एंड यहाँ पे एक होता है दैट इज अ अपोथिनार एमिनंस ओके एंड दिस वन इज मीडियल साइड एंड दिस वन थम वाली साइड लेटरल साइड है सो दिस इज मीडियल पामर सेप्टम ओके This one, बीच में है इंटरमीडिएट पॉमर सेप्टम या फिर मिड पॉमर सेप्टम बोल सकते हैं एक्सटेंसर so, टेंडर है? हमारा एक्सटेंसर कंपार्टमेंट कहाँ पे होता है पीछे होता है एंड फ्लेक्सर कंपार्टमेंट कहाँ पे होता है आगे होता है तो पीछे क्या है एक्सटेंसर के आपको टेंडर दिख रहे होंगे दीज आर द एक्सटेंसर टेंडर और उनके बीच में इंटरोशियस मसल होता है दोस् पामर इंटरशियस एंड डोर्सल इंटरवसियस जो कि एबडक्शन एंड एडक्शन करवाते हैं वो यहाँ पे लोकेटेड हुए होते हैं नाउ हियर यू कैन सी मसल्स के टेंडन दिख रहे हैं जो कि वाइट राउंड है वो मसल के टेंडन है नाउ हम अगर ऐसे देखें तो ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं सुपरफिशियल नीचे वाले पार्ट को बोलता है डीप सो दिस वन ऊपर वाला जो है दैट इज फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालीस जो कि फ्लेक्शन करवाता है उसके नीचे वाला जो पार्ट है दैट इज फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस नाउ यहाँ पे एक स्पेस बन रही है दैट स्पेस इज मेड पामर स्पेस नाउ हम इंटरमीडिएट सेप्टम के इस तरफ देखें लेटरल की तरफ देखें सो वहाँ पे भी एक टेंडन है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस का एक टेंडन है फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस का एंड यू कैन सी हियर वन मसल इज दैर एंड दैट मसल इज़ फ्लेक्सर पोलाइसिस लॉन्गस जो कि थम की तरफ जाता है इसलिए उसको बोलते हैं पोलाइसिस लॉन्गस एंड यहाँ पे एक मसल और है दैट मसल इज एडक्ट पोलाइसिस ओके और उनके बीच में जो स्पेस बन रही है दैट इज थीनार स्पेस थीनार बिकॉज इट इज नियर टू द दम नियर टू द थीनार दैट इज इज इट कॉल्ड थीनार स्पेस सो ये था पूरा मिड पामर स्पेस एंड थीनार स्पेस नाउ लेट सी जो इमेज हमें बुक में दिया है तो मोस्टली यही इमेज सार, सब बुक्स में दी होती है सो so, यहां पे वी कैन सी दैट थीनार स्पेस दिस इज हाइपोथिनार दिस इज पामर एपोन्यूरोसिस दिस वन इट इज अ मीडियल पामर सेप्टम दिस इज इंटरमीडिएट पामर सेप्टम दिस इज लेटरल पामर सेप्टम नाउ यू कैन सी हियर कलर चेंज करता हूँ मैं ओके नाउ यू कैन सी हियर दिस इज फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफेशियाली फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस उसके बीच में कौन सी स्पेस है मेड पामर स्पेस नीचे कौन से मसल है दिस वन इंटर ओशियस मसल जो कि होते हैं पामर एंड डोरसल इंटर ओशियस मसल यहाँ पे लम्बराइकल्स के टेंडर्स भी देखने को मिलते हैं जो कि हमें फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपर फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस है उसके बीच में देखने को मिलता है वो यहाँ पे नहीं दिखा है बट वो देखने को मिलता है एंड दिस वन आर द एक्सटर्स एक्सटेंसर के जो टेंडन है वो और उनके बीच में इंटरोशियस मसल नाउ

उ लेट सी फ्रॉम माई हैंड सो दिस इज़ माई हैंड ये हमारा एंटीरियर साइड है ये हमारा पोस्टीरियर साइड है क्योंकि हमारी एनाटोमिकल पोजिशन ऐसे होती है हम ऐसे खड़े होते हैं लाइक दिस सो दिस इज द एंटीरियर दिस इज पोस्टीरियर ओके एंड हम ऐसे खड़े होते हैं तो थम वाला साइड लेटरल आएगा ये वाला साइड आएगा मीडियल आएगा ओके okay? सो so, मैंने अपने हाथ को यहाँ से कट किया था ऐसे ओके okay? और फिर हमने देखा था इस व्यू से हमने सामने वाले व्यू से देखा था ऐसे कट करके सामने वाले व्यू से देखा था तो ये हमारी एंटीरियर साइड है सो so, अगर हम मिड पामर स्पेस की एंटीरियर बाउंड्री देखें तो सबसे पहले क्या आएगा पामर एपोन्यूरोसिस आएगा फिर उसके नीचे क्या आएगा सुपरफिशियल आर्ट्स एंड ऑल दैट वेसल और जो भी होता है वो आएगा उसके नीचे क्या आएगा फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस उसके नीचे फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस उसके नीचे फिर आएंगे लम्ब्राइकल्स एंड ऑल दैट अल्नाबल्सा अगर हम उसकी पोस्टीरियर बाउंड्री देखें तो पोस्टीरियरली क्या आएगा पोस्टीरियरली हमारे एक्सटेंसर्जिक के टेंडेंस आएंगे और इंटरवशियस मसल आएंगे ओके okay. अगर हम तो दिस इज मिड पामर स्पेस ये मिड पामर स्पेस है यहाँ पर थीना स्पेस होता है तो अब हम उसके लेटरल की तरफ देखें तो दिस वन इज लेटरल लेटरली क्या आएगा इंटरमीडिएट पामर सेप्टम मीडियल की तरफ देखें मीडियल क्या आएगा मीडियल पामर सेप्टम ओके नाउ अगर हम थीनार स्पेस की बात करें सो दिस इज माई थीनार स्पेस दिस इज थीनार स्पेस अब हम उसके एंटीरियर बाउंड्री की बात करें तो वही सेम आएगा पामर एपोन्यूरोसिस फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। लेकिन किसके लिए आएगा सिर्फ इंडेक्स फिंगर के लिए आएगा फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस वो भी किसके लिए आएगा इंडेक्स फिंगर के लिए आएगा उसके नीचे क्या आएगा फिर उसके बाद क्या आएगा फ्लेक्सर पोलाइसिस लॉन्गस आएगा ओके सो दैट इज एंटीरियर बाउंड्री ऑफ द थीना स्पेस उसकी पोस्टीरियर बाउंड्री देखें तो पोस्टीरियर बाउंड्री में क्या आएगा उनका एक्सटेंसर के जो टेंडन्स है वो और इंटरोशियस मसल लेकिन एक और चीज़ भी आएगी दैट इज द एडक्ट पोलाइसिस जो कि हमने देखा था थीना स्पेस के बिल्कुल नीचे है मतलब उसके बिल्कुल पीछे है दैट इज़ द पोस्टीरियर बाउंड्री ऑफ थिन्हार स्पेस दूसरा अभी हम लेटरली देखें तो लेटरली लेटरल पामर सेप्टम आएगा ओके एंड मीडियली मीडियली बीच में एक सेप्टम होता है दैट इज द मिड पामर सेप्टम या इंटरमीडिएट पामर सेप्टम सो दैट्स ऑल अबाउट द मिड पामर स्पेस एंड थीनार्पेस अगर समझ में नहीं आया हो तो वीडियो वापस से शुरू करके फिर से देख लो एंड हाँ जो गिव अवे है उनका रिजल्ट मैं कल अपलोड कर दूंगा सो so वो भी देख लेना तो और भी ऐसे गिव अवेज चाहिए और भी ऐसे ब्लॉग्स चाहिए एजुकेशनल वीडियो चाहिए स्टोरीज चाहिए मेड टॉक वीडियो चाहिए एनीथिंग रिलेटेड टू द मेडिकल फील्ड चाहिए तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन हिट द बेलाइकन एंड या ऐसे ही सपोर्ट करते रहे एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में